का यहाँ पर हरसौरा में सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। पंचायती करते थे, प्रधानमंत्री आगे बैठे थे, अब महिलाएं कहने लगी आप घर पर में अपना संभालोगी काम। इतना बदलाव आ गया महिलाओं में, तो महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता सरकार को है, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान का विकास, जम्मू का विकास, पानी की योजनाएं, जल मिशन आ रहा है, आधा मेरा राजस्थान सरकार का आधा मेरा केंद्र का है। सरकार न पहुंचेगा आपके करोड़ अरबों रुपये की योजना मन रही है, करीब 40,000 करोड़ खर्च होंगे उसके अंदर, वो लोग करेंगे। सीआरसीपी के लिए आपने अभी सुन लिया अध्यक्ष जी से, हम इसको बंद नहीं करने वाले हैं, चाहे वो केंद्र सरकार कितनी मना करे हमें, और जो आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने इस बजट में 9,000 करोड़ रुपये रख दिए हमने, तो आप सोच सकते सरकार की मंशा क्या है राजस्थान सरकार की योजना को पूरी करने के लिए। उससे आपका हर जिला भी उसमें जुड़ेगा, आप पीने का पानी हो, सिंचाई हो, सबसे ज़्यादा आवश्यकता राजस्थान के लोगों को है, जैसे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में हम पीछे नहीं है, इसीलिए श्री योजना आई है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम लोग छात्रावासों के लिए, तो गरीब बच्चों को विदेश भेजते हैं फ्री में, स्टेट गवर्नमेंट खर्चा पूरा देगी विदेश पढ़ाने के लिए, पचास योजनाएं अभी वक्त नहीं। मैं आपको बताऊँ, कृपा करके आप लोग अखबार में जो योजना आती है, इंटरनेट में जो हमारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, वो देखिए सरकार के जो बने हुए ऐप बने हुए हैं, उसमें देखिए क्या क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप गरीब तक पहुँचाएं, काम कर कोई अनपढ़ आदमी है समझता नहीं है उनके पास पहुँचाएं, ये मेरी आप सबसे बात की अपील है। यही बात करता हूँ मैं अपनी बात को, रामदेव जी के परिवार जनों को धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात में समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री को आप यहां पर सुन रहे थे, हरसौरा में मूर्तियों के अनावरण का ये कार्यक्रम है, और इसके बाद आपको बता दें कि निमराना जाने का भी मुख्यमंत्री का यहां पर कार्यक्रम है, जहां पर वो जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही एमओयू भी साइन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हरसौरा में, जिसमें सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं, उनके पास में आप देख सकते हैं पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर मौजूद हैं, कई और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को भी वो घेरते नजर आए। ईआरसीपी की जिस तरीके से परियोजना को लेकर कार्यशाला का केंद्र सरकार की तरफ से, यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से लगातार केंद्र को घेरा जा रहा था, उसकी भी तस्वीर देखने को मिली थी। और अब ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है हरसौरा से, ये तस्वीरें जहाँ पर माला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। तो अलवर के हरसौरा से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माला पहनाकर सीएम अशोक गहलोत का यहां पर स्वागत किया जा रहा है, इसके साथ ही हल भेंट करके उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, और चलिए आगे बढ़